Hello children, welcome to my class. Today our topic is the Northern Mountains. So in Northern Mountains we will learn about location of Northern Mountains. Mountains की location क्या है, Northern Mountain की location क्या है. Next, Greater Himalayas और Himadri, they are the part of Himalayas, है ना. लेकिन Himalayas को भी हमने three parts में divide किया गया है. The Greater Himalayas, the Lower Himalayas और Lower Himalayas को ही less, और फिर next one is the Lesser Himalayas. तो ये three parts हैं, Greater, Lower and Lesser. ये Himalayas को three parts में divide किया गया है. तो ये सारी चीज़ें हम इस द नॉर्दर्न माउंटेन्स के अंदर पढ़ेंगे. लास्ट वन इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन्स. नॉर्दर्न माउंटेन्स की इम्पॉर्टेंस क्या है, है ना. तो सबसे पहले याद रखना कि लेसर हिमालयास को ही हम हिमाचल भी बोलते हैं. लेसर हिमालयास आर ऑल्सो कॉल्ड हिमाचल. और हिमाचल क्या है, एक टूरिस्ट स्पॉट है. यहाँ शिमला, कुल्लू, मनाली, ये सब कहाँ पे लोकेटेड है, हिमाचल में लोकेटेड है. तो मतलब वो एक हिल स्टेशन है जहाँ पे लोग हर बार समर में अपना समर वैकेशन बनाने जाते हैं बहुत सारे लोग. नेक्स्ट लोअर हिमालयास और शिवालिक. सबसे नीचे क्या है, शिवालिक, और सबसे ऊपर क्या है, ग्रेटर हिमालयास और हिमादरी. समझ रहे हो, ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड हुआ है. मतलब कि अगर सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हिमालयास हो जाएगा. नेक्स्ट उसके बाद वाली जो माउंटेन रेंज है वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, लेसर हिमालयास हो जाएगी. और उसके भी नीचे क्या हो जाएगा, शिवालिक. ठीक है, तो ये इस तरीके से थ्री पार्ट्स में हिमालयास को डिवाइड किया गया है. बिफोर मूविंग फर्दर वी हैव अ क्विक एक्सरसाइज. ये क्या है, लेट अस बिगेन. कैन यू नेम दिस माउंटेनियर्स, मतलब ये जो पहाड़ों पे चढ़ा है, ये लोग जो जिन्होंने हिमालयास पे भी चढ़े हैं, तो जो ये माउंटेन क्लाइंबिंग की है इनके हमें क्या लिखने हैं, नाम लिखने हैं. तो इनमें से जो सबसे फर्स्ट नंबर पर है वो क्या है, री इनहोल्ड मैसनर. ये कौन है, री इनहोल्ड मैसनर. नाउ नेक्स्ट वन इज जो हमारे सेकेंड नंबर पर है वो है एडमुंड हिलेरी. नेक्स्ट नंबर पर है एडमुंड हिलेरी. नेक्स्ट वन इज एडमुंड हिलेरी. नाउ द थर्ड वन इज डेविड लामा. तो थर्ड वन इज डेविड लामा. और लास्ट वन इज बचिंद्री पाल. लास्ट वन इज बचिंद्री पाल. तो बचिंद्री पाल वॉज द फर्स्ट वुमेन हु क्लाइम द माउंट एवरेस्ट. जिन्होंने, वो पहली वुमन थी जो माउंट एवरेस्ट को क्लाइम की थी. ध्यान रखना, हमने यहाँ पे पहली फर्स्ट वुमन बोला है, नॉट अ मैन. ठीक है, तो वुमन्स में जो थी वो फर्स्ट थी, कौन, बचिंद्री पाल. नेक्स्ट वी वर हैविंग द लोकेशन ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन. जो हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं उनकी लोकेशन क्या है, तो देयर आर हाई माउंटेन रेंजेस अलोंग द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया. ये देखो, ये रेंजेस समझ में आ रही हैं. ये जो पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, ये वन बाय वन आपस में कनेक्टेड हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं. ठीक है, ये माउंटेन रेंजेस है, मतलब चेन ऑफ माउंटेन, एक के बाद दूसरे तीसरे ऐसे माउंटेन रेंज में अवेलेबल है, इसलिए इन्हें माउंटेन रेंज बोलते हैं. दीज इंक्लूड द, अब इनमें क्या क्या होती है, काराकोरम रेंज होती है, हिमालयन माउंटेन रेंज होती है, और हिमालयास में जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की वो है, जो हमारे हिमालयास है उसमें एक माउंटेन पीक इतनी ऊंची है कि वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है. अब इसमें बताया है द वर्ड हिमालय मीन्स द होम ऑफ स्नो. हिमालय का मतलब क्या होता है, बर्फ से ढका हुआ घर. इसने होम बोला, यहाँ पे एबोड ऑफ स्नो भी बोला जा सकता है, मतलब जो बर्फ से क्या हो, हमेशा ढका हुआ हो, बर्फ से ढके हुए पहाड़. नेक्स्ट है इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख इज लोकेटेड. इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख इज लोकेटेड द काराकोरम रेंज. जो हम काराकोरम रेंज पढ़ रहे हैं वो कहाँ पे है, तो देखो डायरेक्शन से ध्यान रखना बच्चों, ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है. तो इन्होंने हमारे यहाँ पे दो डायरेक्शन की बात की है. कौन कौन सी डायरेक्शन की बात की है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, मतलब ये जो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे क्या है, काराकोरम रेंज. और काराकोरम रेंज में माउंट गॉडविन ऑस्टिन और केटू, ये दोनों एक ही पीक के नाम है,
माउंट गॉडविन ऑस्टिन और K2। तो इनकी अबाउट इनकी हाइट कितनी है 8611 मीटर्स और इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो हाईएस्ट माउंटेन पीक इंडिया की कौन सी होगी, K2 माउंट गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड में हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है हमारी, माउंट एवरेस्ट। ओके, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो जो हाईएस्ट पीक है वो K2 है, ठीक है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड में हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट किसका पार्ट है बच्चों, हिमालयास का पार्ट है, ठीक है। सो द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड कौन सी है, माउंट पीक इन इंडिया है ना, माउंट गॉडविन ऑस्टिन। एंड माउंट एवरेस्ट जिसकी हाइट 8848 मीटर्स है, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, इट इज ऑल्सो इन द नॉर्दर्न माउंटेन। ये भी कहाँ है, नॉर्दर्न माउंटेन। ये सारे हिमालयाज हमारे किधर है, नॉर्थ में है ना, तो दीज आर कॉल्ड नॉर्दर्न माउंटेन। द हिमालयन माउंटेन रेंजेस एक्सटेंड फ्रॉम, मतलब ये शुरुआत कहाँ से होते हैं और कहाँ तक खत्म होते हैं, तो बेटा ये शुरू कहाँ से होते हैं, जम्मू से शुरू होते हैं और एंड कहाँ तक जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ तक जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है हमारे, ईस्ट डायरेक्शन में है ना, ईस्ट में। तो यहाँ से शुरू होके वहाँ तक ख़त्म होते हैं। द हिमालयन माउंटेन रेंजेस एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द वेस्ट, जम्मू कश्मीर कहाँ होगा हमारा, वेस्ट में, और टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। वेस्ट से शुरुआत होके कहाँ तक जा रहे हैं, ईस्ट तक, और ईस्ट में क्या है हमारा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट दे एक्सटेंड अप फॉर अबाउट 2500 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यहाँ से वेस्ट टू ईस्ट तक में इनकी विड्थ क्या है, 2500 किलोमीटर, ठीक है। इतनी इनकी, मतलब इतने चौड़े पहाड़, इतने सारे, और किस फॉर्म में अवेलेबल है, इन द फॉर्म ऑफ रेंज। रेंज का मतलब चेन ऑफ माउंटेन, ठीक है। नेक्स्ट इज द विड्थ ऑफ हिमालयन रेंजेस वेरीज फ्रॉम अबाउट 400 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर, मतलब इतनी इनकी विड्थ होती है, वेरी करती है, मतलब अलग 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 पहाड़ों के हिसाब से अलग अलग रेंज की अलग अलग विड्थ है। नेक्स्ट द हिमालयन माउंटेन्स हैव थ्री मेन पैरेलल रेंज। पैरेलल रेंज मतलब क्या होता है, ये पैरेललोग्राम हमने किसमें पढ़ा है, किसमें पढ़ा है, मैथ्स में पढ़ा है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होती है, दीज आर टू पैरेलल लाइंस, है ना, और ये पैरेलल लाइंस कभी भी इनको कितना भी आगे एक्सटेंड कर लो, ये क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे को कट नहीं करते, है ना, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, उन्हें हम पैरेलली कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं पैरेललोग्राम की पैरेलल लाइंस। तो इनको भी पैरेलल रेंज इसलिए बोला है क्योंकि ये पैरेलली एक दूसरे के पैरेलल में अवेलेबल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, ग्रेटर हिमालयाज और हिमादरी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेटर हिमालयाज और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हिमादरी बोलते हैं। नेक्स्ट इज द लेसर हिमालय और हिमाचल, सेकंड नंबर पे लेसर हिमालय और हिमाचल। एंड द थर्ड वन इज लोअर हिमालयाज और शिवालिक। थर्ड वन जो हमारा है वो क्या है, लोअर हिमालयाज और शिवालिक है। तो डू यू नो, अब हमें यहाँ पे जानने वाली बहुत एक्साइटिंग बात जो है वो क्या है, कि जो सर एडमंड हिलेरी हैं, जिनके बाद जो सेकंड नंबर पे हमारी इमेज थी ना फोटो में, सर एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के थे और टेंजिंग नॉर्गे इंडिया के, ये फर्स्ट थे जो जिनने क्या किया, माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, सबसे हाईएस्ट पीक वर्ल्ड की उस पर क्लाइम किया सबसे पहले एडमंड हिलेरी और टेंजिंग नॉर्गे, ठीक है। जिनमें से टेंजिंग नॉर्गे कहाँ के थे, इंडिया के, तो फर्स्ट इंडियन कौन हो जाएंगे हमारे, टेंजिंग नॉर्गे। लेकिन हमें और इनने ईयर भी दिया है, कौन सी ईयर में, इन द 1953। सोचो कितने पहले, जब तो इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज जो हैं वो अवेलेबल नहीं थी, अब तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है, बहुत सारी चीज़ें इक्विपमेंट्स ऐसे बन गए हैं जो हमारी लाइफ को आसान कर देते हैं या जो ट्रैकिंग को आसान कर देते हैं। बट इन द 1953 बैक, वहाँ तो बहुत सारी चीज़ों की कमी थी, इतना डेवलपमेंट था ही नहीं, तब भी इन लोगों ने माउंट एवरेस्ट जैसे टफ, सबसे ज़्यादा टफ एवरेस्ट माउंटेन जो है उसको क्लाइंब किया। अब याद रखना कि बचेंद्री पाल जो है वो फर्स्ट इंडियन वुमन है, मतलब
वुमन में वो फर्स्ट है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया। कब? इन द ईयर 1984। किस ईयर में क्लाइम किया है? 1984 में। नाउ नेक्स्ट इज द ग्रेटर हिमालयास। अब हम पढ़ेंगे ग्रेटर हिमालयास और हिमाद्री के बारे में। तो द ग्रेटर हिमालय इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयास। ये कहाँ है? नॉर्दर्न मोस्ट, नॉर्थ में ही है, इसीलिए इसे नॉर्दर्न मोस्ट कह दिया, ठीक है। और इट इज द हाईएस्ट ऑफ थ्री रेंजेस। सबसे हाई जो है, सब सबसे पहले पढ़ रहे हैं, उसमें नाम भी ग्रेटर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये सबसे ज्यादा क्या है? हाईएस्ट है। और ग्रेटर हिमालयास में ही क्या है? माउंट एवरेस्ट है। एंड कंटेन ऑल द हाईएस्ट पीक। सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो ग्रेटर हिमालय में ही है। तो उनमें हाईएस्ट पीक हमने पढ़ा, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट। सो मोस्ट पीक्स इन द हिमाद्री रिमेन परमानेंटली कवर्ड विद स्नो। हिमाद्री में जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, जो बहुत सारी जो पीक्स है वो हमेशा किससे ढकी रहती हैं? स्नो से कवर्ड रहती हैं, ऑलवेज कवर्ड विद स्नो। नेक्स्ट इज कंचनजंगा एंड अन्नपूर्णा आर द टू हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ दीज रेंजेस। माउंट एवरेस्ट के अलावा भी दो और हाईएस्ट पीक है जो ग्रेटर हिमालयाज में लोकेटेड है। कौन कौन सी? कंचनजंगा एंड द अन्नपूर्णा। और कंचनजंगा की यहाँ हमको हाइट भी दी है बच्चों, कितनी दी है? 8,586 मीटर। एंड इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। इंडिया की हाईएस्ट पीक भी कौन सी है? कंचनजंगा। अब यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, ये हमारा क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक है। ये क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। तो गंगोत्री नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे किसका कनेक्शन होगा? गंगा। मतलब गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है बच्चों? गंगा, ठीक है। नेक्स्ट इज यमुनोत्री ग्लेशियर। ये यहाँ पे आपको कौन सा ग्लेशियर बताया है? यमुनोत्री ग्लेशियर। तो यमुनोत्री से क्या हो रहा है? यमुना। तो यहाँ से आपकी कौन सी रिवर ओरिजिनेट होगी? यमुना। सो सेवरल रिवर्स सच एज, बहुत सारी रिवर्स है जो ओरिजिनेट होती हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलज, कहाँ से होती हैं ओरिजिनेट? इनका ओरिजिन पॉइंट क्या है? ओरिजिन पॉइंट का मतलब क्या होता है कि स्टार्ट कहाँ से हो रही, कहाँ से निकल रही हैं ये नदियाँ? तो ये सारी हमारी कहाँ से निकल रही हैं? हिमाद्री। हिमाद्री को ही हम लोग क्या बोलते हैं? द ग्रेटर हिमालयास। हिमाद्री को ही क्या बोलते हैं? द ग्रेटर हिमालयास। नेक्स्ट, दे अराइज फ्रॉम मूविंग शीट्स ऑफ आइस कॉल्ड ग्लेशियर। मूविंग शीट ऑफ आइस का क्या मतलब होता है? कि बर्फ के ऐसे पहाड़ के टुकड़े जो गिरते गए और शीट की तरह बह रहे हैं, ठीक है। और तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियर्स। और ग्लेशियर्स मूव डाउन टू वार्मर रीजन। बर्फ कब पिघलती है? जब टेम्परेचर हाई होता है। और वो किस तरफ पिघलेगी भी? तो वो वार्मर रीजन में जाएगी। ठंडे रीजन में तो बर्फ बर्फ ही रहेगी, तो वो ग्लेशियर के फॉर्म में रहेगा। तो जो वार्मर रीजन है वहाँ पे ग्लेशियर्स मूव होंगे, ग्लेशियर मूव होंगे तो उससे क्या होगी? उनकी आइस मेल्ट होगी, बर्फ पिघल जाएगी। और जब वो पिघलेगी तो वो किसको राइज, मतलब क्या होगा वहाँ से, किसका ओरिजिन होगा? रिवर्स का। वहाँ से नदियाँ बहती जाएंगी। तो द रिवर गंगा स्टार्ट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर्स। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है बच्चों? गंगा। नाउ नेक्स्ट इज द लेसर हिमालयास और हिमाचल। मतलब अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? लेसर मतलब ग्रेटर से थोड़ा कम। तो अब लेसर हिमालयास को ही हम क्या बोलते हैं? हिमाचल, ठीक है। लेसर हिमालयास को ही हम क्या बोलते हैं? हिमाचल, ठीक है। तो दिस रेंज इज नॉट एज हाई एज द ग्रेट हिमालयस। ऑब्वियस सी बात है, सबसे ऊपर क्या है? ग्रेटर, उसके बाद लेसर। तो ये इतने ऊंचे नहीं होंगे ना, ग्रेटर के जितने ऊंचे नहीं होंगे, ये उनसे थोड़े कम होंगे। तो दीज आर लेसर हिमालयस। इट हैज मैनी पासिस। पासिस क्या होते हैं बच्चों? जो पहाड़ है, पहाड़ों के बीच से जो रास्ते जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पासिस, मतलब है ना। तो आप पास इज अ नैरो वे थ्रू अ माउंटेन। ये देखो, ये नैरो सकरा सा पहाड़ों के बीच में रास्ता कैसा होगा? नैरो होगा। तो ये नैरो जो ये क्या है? यही पास है, ठीक है। ये इन्होंने जो रास्ता बताया है वो किस हिल स्टेशन का बताया है आपको?
मसूरी का। नेक्स्ट है, दीज माउंटेन आर कवर्ड विथ थिक वेजिटेशन। यहाँ पे क्या होता है, वेजिटेशन अवेलेबल होती है, रिवर्स तो फ्लो होंगी, रिवर्स फ्लो होंगी तो यहाँ की सॉइल भी फर्टाइल होगी और फर्टिलिटी के कारण यहाँ पे प्लांट ट्रीज बहुत एक्सेस क्वांटिटी में क्या हो जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्लांट्स ट्रीज का फॉर्मेशन होगा जिससे यहाँ वेजिटेशन ग्रीनरी दिखेगी यहाँ। तो ये तुम्हारे दीज माउंटेन्स में वेजिटेशन कैसा होता है, थिक होता है। ट्रीज कौन कौन से मिलते हैं, सिडार, ओक, पाइन एंड फर ग्रो ट्रीज, ये जो है ट्रीज के टाइप्स हैं जो यहाँ मिलते हैं। एक चीज याद रखना बेटा, जो भी ट्रीज हमको माउंटेन्स में मिलेंगे उनका शेप हमेशा कैसा होगा, कोनिकल, ठीक है, कोनिकल शेप में मिलेंगे। इसका रीज़न क्या होगा कि जो भी स्नो है इनसे स्नो से कवर्ड होंगे, लेकिन जब वो स्नो मेल्ट होगी तो यहाँ से सीधे क्या हो जाए, स्लाइड हो जाए, ना कि उसके ऊपर जमती रहे, क्योंकि जमती रहेगी तो वो टहनी जो है, ब्रांच जो है ट्री की, वो टूट के गिर जाएगी, है ना। इसलिए यहाँ पे जो भी ट्रीज होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, कोनिकल। नाउ नेक्स्ट इज, देखो यहाँ पे आपको दो मेजर टेम्पल बताए गए हैं, फर्स्ट वन इज केदारनाथ, सेकेंड वन इज बद्रीनाथ। अब बेटा ये क्या है, केदारनाथ और बद्रीनाथ ये पिलग्रिमेज स्पॉट्स है, पिलग्रिमेज टूरिस्ट प्लेसेस है ना, जहाँ पे मंदिर है, मंदिर जहाँ पे भी होंगे तो वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करेंगे, तो वो कौन से सेंटर होंगे, पिलग्रिमेज सेंटर होंगे। तो देयर इज स्नोफॉल इन विंटर, मतलब ऐसा नहीं है कि लेसर हिमालयाज में बर्फ ही नहीं रहती, रहती है, पर किस सीजन में रहती है बच्चों, विंटर सीजन में रहती है। अब इसीलिए यहाँ पे जो लोग घूमने जाते हैं वो किस सीजन में जाएंगे, समर में जाएंगे। सपोज दैट श्रीनगर, कुल्लू, मनाली, मसूरी, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सब क्या है, ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस हैं। और ये हिल स्टेशंस कहाँ पे लोकेटेड है, ये हिल स्टेशंस लोकेटेड है हमारे लेसर हिमालयाज में। और पिलग्रिमेज स्पॉट्स भी हमने दो पढ़े यहाँ, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ ये रिलीजियस प्लेसेस हैं, तो इसीलिए इनको हम क्या बोलेंगे, पिलग्रिमेज सेंटर्स बोलेंगे। तो ये भी कहाँ पे है, हमारे लेसर हिमालयाज में है। नाउ वी हैव लोअर हिमालयाज और शिवालिक। हमने ग्रेटर हिमालयाज पढ़ लिया बच्चों, लेसर हिमालयाज पढ़ लिया, अब उसके भी नीचे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, द लोअर हिमालयाज और शिवालिक। तो द शिवालिक रेंज इज द सदर्न मोस्ट, सबसे नीचे जो होगी, नॉर्थ से स्टार्ट हुए ना, नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन से स्टार्ट हुए, वहाँ की हाईएस्ट पीक हमने पढ़ी माउंट एवरेस्ट। अब जब हमने वहाँ से शुरुआत की तो अब हम नीचे आ गए, सबसे नीचे। तो ये सबसे नीचे आ गए तो कहाँ आ गए, साउथ डायरेक्शन हो गई उसकी। तो जो ये कहाँ पे अवेलेबल होंगी, ये माउंटेन रेंजेस सदर्न मोस्ट पॉइंट में, ठीक है। दिस रेंज इज मेड अप ऑफ हिल्स, यहाँ पे भी हिल्स होंगी, ऐसा नहीं है कि ये पहाड़ नहीं होंगे, बस इनकी हाइट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। सो द स्लोप्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। स्लोप क्या होते हैं बेटा, इस तरीके से जो ढलान होती है ना, ढलान वाले जो स्लोप्स होते हैं यहाँ पे जनरली किससे कवर्ड रहता है, जंगल है, घने जंगल है। द फॉरेस्ट आर फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ऑब्वियस ही बात है, अगर वहाँ फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट का मतलब क्या होगा, वहाँ जंगली जानवर होंगे, वाइल्ड एनिमल्स होंगे। तो यहाँ पे इन फॉरेस्ट में वाइल्ड एनिमल्स मिलते हैं। फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक हिल्स आर तराई, मतलब जो सबसे नीचे वाला शिवालिक हिल का नीचे का पार्ट है उसे हम तराई रीजन बोलते हैं। और दिस इज अंडर द मार्शेस ड्यू टू हैवी रेनफॉल, यहाँ बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि यहाँ की जो मिट्टी है वो सब मिलके क्या दलदल बना लेती है, मार्शी एरियाज। और लैंडस्लाइड्स आर कॉमन इन दिस रीजन, इस रीजन में क्या होता है बच्चों, ईजिली बारिश वगैरह होती रहती है, तो जो पहाड़ है उनका कुछ कुछ हिस्सा जो है गिरता रहता है नीचे, है ना, या फिर जो जमीन है वो नीचे गिर गई है ना, खाई में नीचे, लैंडस्लाइड्स। तो इस तरीके से लैंडस्लाइड्स भी होते रहते हैं इस पर्टिकुलर रीजन में। पूर्वांचल रेंज, द पूर्वांचल रेंज आर इन द नॉर्थ ईस्ट, ये समझो बेटा कि यहाँ पे अगर हमारे इंडिया का मैप है तो यहाँ पे जो भी पार्ट्स हैं ये हम इसे क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट पार्ट बोलते हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट में हमारी कौन सी रेंज है, पूर्वांचल रेंज। दे फॉर्म अ सीरीज ऑफ लो हिल्स, इनकी हाइट कम है, इसीलिए यहाँ पे सीरीज ऑफ क्या बोला गया है, लो हिल्स बोला गया है। अब उनका नाम भी दिया है, सच एज गैरो, काशी, जयंतिया, नागा, मीजो, लुसई, पटकई, ये सारे छोटे छोटे पहाड़ हैं
जो हमारी पूर्वांचल रेंज, पूर्वांचल रेंज कहाँ है बच्चों, पूर्वांचल रेंज इन द नॉर्थ ईस्ट। तो पूर्वांचल में नॉर्थ ईस्ट में ये सारी हिल्स हमारी मिलती हैं। नेक्स्ट है दीज हिल्स है फास्ट रनिंग स्ट्रीम्स एंड डेंस फॉरेस्ट। यहाँ पे बहुत घने जंगल है और छोटी छोटी नदियाँ जो हैं वो यहाँ बह रही हैं। नेक्स्ट है दिस रीजन हैज अ नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अब ऑब्वियस सी बात है जहाँ भी हमें जंगल होंगे वहाँ जंगली जानवर होंगे, तो क्योंकि यहाँ फॉरेस्ट है तो यहाँ पे हमें वाइल्ड एनिमल्स भी देखने मिलेंगे। तो वाइल्ड एनिमल्स में लायन, एलिफेंट, क्रोकोडाइल, लेपर्ड एक्सेट्रा। अब यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स है तो नेशनल पार्क भी होगा जो उनको बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए ओपन किए जाते हैं। तो इसी तरीके से एक नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कहाँ है इन द तराई रीजन नियर नैनीताल, नैनीताल के पास है। नेक्स्ट है नाथुला, बोमदिला, शिपकिला, ये सब क्या है इंपॉर्टेंट पासेज हैं। पासिस बेटा हमने अब भी आपको समझाया, पासिस क्या होता है, जो रास्ते माउंटेन्स के बीच से बने हुए हैं, है ना, ऊपर चढ़ते जाते कभी भी आप हिल स्टेशंस पे जाओगे तो वो बहुत नैरो पासिस जो होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को नैरो जो रास्ते होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पासिस। अब नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन्स। ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये क्यों ज़रूरी है, तो सबसे इनके यूजफुल पॉइंट्स हमको दिए हैं। द नॉर्दर्न माउंटेन आर यूजफुल टू अस, कैसे यूजफुल है ये हमको बताया है इन पॉइंट्स में, तो ध्यान से हमें इन पॉइंट्स को समझना है। फर्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला है दे एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर अगेंस्ट द एनिमी। नेचुरल बैरियर मतलब चाइना से कोई हमारे यहाँ इंडिया में घुसना चाहे, पाकिस्तान से घुसना चाहे, तो ये एक क्या है, अफगानिस्तान से आए, कहीं से भी आए, तो ये क्या है, एक नेचुरल बैरियर है। मतलब आसान नहीं है ना इन पहाड़ों पे चढ़ के इधर आ जाना, तो ये एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं। मतलब नेचुरली क्यों बोला, क्योंकि ये मैन मेड स्ट्रक्चर तो है नहीं, ये नेचर से गिफ्टेड है, इसलिए ये नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है। नेक्स्ट दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड विंड कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ। नॉर्थ डायरेक्शन से जो भी कोल्ड विंड हवा चल रही होगी और ठंडी हवा चल रही होगी, बीच में पहाड़ आ गया तो वो क्या करेगा, उसे रोक देगा। तो दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड विंड कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ। नेक्स्ट इज दे चेक द मॉनसून विंड एंड प्रोवाइड हैवी रेनफॉल। मॉनसून विंड्स भी जो है वो इनसे टकरा जाती हैं और यहाँ पे क्या हो जाता है, हैवी रेनफॉल होता है। नेक्स्ट मैनी रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम दीज माउंटेन रेंजेस। अभी हमने पढ़ा गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, मतलब इन ग्लेशियर से रिवर्स भी फ्लो हो रही हैं, गंगा, यमुना, तो ये रिवर्स भी माउंटेन रेंजेस से ओरिजिनेट होती हैं। नेक्स्ट इज द थिक फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद द वैल्यूएबल टिम्बर वुड। टिम्बर वुड लकड़ी मिलती है यहाँ पे, फॉरेस्ट जंगल है, लकड़ी तो मिलेगी। और अब क्योंकि ये जंगल है तो मतलब वो किसका होम हुआ, होम ऑफ सेवरल वाइल्ड एनिमल्स, बहुत सारे जंगली जानवर यहाँ इस फॉरेस्ट में हमको मिलेंगे। नेक्स्ट इज डैम्स हैव बीन बिल्ट अक्रॉस सम रिवर्स। इन नदियों पे डैम्स भी बने हैं। डैम्स क्यों यूजफुल होते हैं बेटा, डैम्स यूजफुल होते हैं टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है उसके लिए डैम्स यूजफुल होते हैं। और वो जो इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है तो पानी से बनी, हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी विच प्रोवाइड, और उससे हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, कहाँ, उन रीजन्स के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी इजली अवेलेबल होगी, साथ में इरिगेशन फैसिलिटीज। इरिगेशन किसके लिए, इरिगेशन फॉर फार्मिंग। फार्मिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, इरिगेशन है, तो इरिगेशंस भी हमें इरिगेशन फैसिलिटीज भी डैम्स से मिलती हैं। सो दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर मैनी एडवेंचरस स्पोर्ट्स। यहाँ स्पोर्ट्स भी होते हैं, ट्रैकिंग, माउंटेन ट्रैकिंग सबने सुना होगा, माउंटेनियरिंग और ऊंची पहाड़ पे चढ़ना, वहाँ पे जाके रुकना, है ना, टेंट लगाकर, स्काइंग एक्सेट्रा, बर्फ में जो होती है स्काइंग, है ना, तो स्नो माउंटेन है तो स्काइंग वगैरह होगी। टूरिज्म क्या है, हिमालयाज, जो भी माउंटेन एरिया है, जो भी हिल स्टेशंस होती हैं बेटा, उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक जो एक्टिविटी होती है, मतलब पैसों का, पैसे लो जो वहाँ के लोग कमा रहे होते हैं वो जनरली किससे कमा रहे होते हैं, टूरिज्म से। जब हम लोग वहाँ घूमने जाते हैं, वहाँ रहते हैं, कुछ खाते हैं, वहाँ के कुछ सामान हम लोग लेते हैं, तो इसी से उन लोगों के घर चलते हैं। तो
टूरिज्म ही हिल स्टेशंस की सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। सेवरल ट्राइबल पीपल लिव इन द हिमालयन रीजन, बहुत सारे जो ट्राइब्स हैं वो भी यहाँ हिमालयन में रहते हैं। विदाउट द हिमालयाज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया वुड हैव बीन द कोल्ड डेजर्ट। सपोज दैट यहाँ पे हमारे माउंटेन्स होते ही नहीं नॉर्थ पार्ट में, तो वो इतना ठंडा बर्फ़ से जमे हुए रहते कि वो डेजर्ट की तरह होते, क्योंकि ना तो वहाँ रेनफॉल हो पाती है ना, और ना ही वो हमारी कोल्ड विंड्स को रोक पाते। तो सोचो, समझ में आ रहे कि ये जो हमारे हिमालयाज है वो हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इज बाउंड्री का मतलब बॉर्डर, सब जानते हैं। एक्सटेंड मतलब एक्सपांड, बड़ा एक्सपांड करना। पिलग्रिमेज मतलब रिलीजियस जर्नी, जहाँ रिलीजियस टेम्पल्स वगैरह अवेलेबल हों वो क्या होगा, पिलग्रिमेज होंगे, है ना, वहाँ पे यात्री जो है मंदिरों के दर्शन करने जाएंगे। फुटहिल मतलब अ लो हिल एट द बेस ऑफ माउंटेन, माउंटेन का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं, फुटहिल। सपोज दैट जो हमारी बॉडी है, बॉडी में हम सबसे नीचे क्या बोलते हैं, फुट बोलते हैं ना, फीट्स जो रहते हैं, तो ऐसे ही माउंटेन का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होगा वो क्या होगा, फुटहिल। और लैंडस्लाइड मतलब रॉकफॉल, जो चट्टाने हैं वो गिर जाएं, उसे हम क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्विक रिव्यू, क्विक रिव्यू, वी आर रिव्यूइंग दिस चैप्टर। द वर्ड हिमालयाज, हिमालयाज का मतलब होता है अबोड ऑफ स्नो, मतलब बर्फ से ढका हुआ, ठीक है। नेक्स्ट द एक्सटेंड फ्रॉम 2500 किलोमीटर, इतना एक्सटेंशन है 2500 किलोमीटर जम्मू कश्मीर नॉर्थ में और अरुणाचल प्रदेश तक, मतलब ये नॉर्थ से कहाँ तक है, ईस्ट तक है, और ईस्ट में क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इनका, जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर। नाउ नेक्स्ट इज द हिमालयाज हैव थ्री माउंटेन रेंजेस दैट रन पैरेलल टू ईच अदर, पैरेललोग्राम की पैरेलल लाइंस बताई ना, जो हमेशा कितना भी दूरी तक ले जाओ आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होंगी, कट नहीं करेंगी एक दूसरे को, तो इसी तरीके से ये माउंटेन रेंजेस पैरेलल में अवेलेबल हैं, ठीक है। और ये जो माउंटेन रेंजेस हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, और बेटा यहाँ कितना बोला है, थ्री, तो थ्री में हमने क्या क्या पढ़ा है, ग्रेटर पढ़ा है, ग्रेटर के बाद लेसर, और लेसर के बाद क्या पढ़ा है, लोअर, ठीक है। तो थ्री टाइप्स ऑफ माउंटेन रेंजेस हमने पढ़ी हैं। नेक्स्ट, हिमादरी कंटेन ऑल द हाईएस्ट पीक इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट वो भी कहाँ है, हिमादरी मतलब ग्रेटर हिमालयाज में लोकेटेड है। नेक्स्ट इज हिमाचल रेंज कहाँ आती है, हिमादरी की साउथ में, साउथ ऑफ हिमादरी रेंज, मतलब अगर हिमादरी रेंज यहाँ से शुरू हो रही है तो ये इसका नॉर्थ है, और यहाँ साउथ से क्या हो जाएगा, हिमाचल रेंज शुरू हो जाएगी। और शिवालिक इज द सदर्न रेंज ऑफ हिमालयाज, हिमालयाज का जो सबसे नीचे साउथ वाला पॉइंट है वो कौन सा है, शिवालिक है। नाउ वी क्विकली डू द एक्सरसाइज, यू हैव टू डार्कन द करेक्ट आंसर, मतलब जो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है उसको आपको डार्क करना है अपनी ओएमआर शीट में, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगी, टिक करूँगी। तो द मिडिल हिमालयाज आर ऑल्सो नोन एज, मिडिल हिमालयाज को मतलब जो बीच वाला हिस्सा है उसे हम हिमाचल भी बोलते हैं, क्योंकि वो हिल स्टेशन है ना, वहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशन है, तो मिडिल हिमालयाज इज नोन एज हिमाचल। नेक्स्ट, द वर्ड हिमालयाज मीन, हिमालय का मतलब क्या होता है, हमने अभी पढ़ा, ये एबोड ऑफ स्नो, बर्फ से ढका हुआ, तो एबोड ऑफ स्नो। नेक्स्ट इज डैश इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ध्यान देना बेटा यहाँ पे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक पूछी है, तो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक क्या है हमारी, माउंट एवरेस्ट, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट इज डैश वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, हमने बताया फर्स्ट इंडियन वुमेन हमारी कौन सी थी जो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया, तो बचेंद्री पाल, कौन है, बचेंद्री पाल। नेक्स्ट, इंडिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल हिल स्टेशन लोकेटेड इन द इन दिस रेंज, हिल स्टेशंस कहाँ है बेटा, तो हमने पढ़ा ना हिल स्टेशंस हमारे द ग्रेट हिमालयाज हैं, ग्रेट के बाद लेसर हैं और फिर लोअर हैं, तो हिल स्टेशंस हमारे मिडिल वाले पार्ट में हैं, तो इन द मिडिल हिमालयाज। नेक्स्ट इज और नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स में तुम्हारा क्या हो जाएगा,
डैश एंड डैश वर द फर्स्ट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट सबसे पहली बार किसने क्लाइम किया था? तो हमने डू यू नो में 1952 में एक हमने फैक्ट पॉइंट पढ़ा था ना, तो उसमें क्या क्या पढ़ा था, एडमुंड हिलेरी और टेंजिंग नॉर्वे नॉर्गे, ये दो लोग जो थे एडमुंड हिलेरी तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन इज एडमुंड हिलेरी और टेंजिंग नॉर्गे. एडमुंड हिलेरी और टेंजिंग नॉर्वे, टेंजिंग नॉर्गे, ठीक है. तो ये फर्स्ट थे जिन्होंने क्या किया था, माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था. नेक्स्ट डैश इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया. इंडिया की जो तुम्हारी हाईएस्ट पीक है वो क्या है बेटा, तो इंडिया की हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा. इंडिया की हाईएस्ट पीक क्या है, कंचनजंगा. नाउ नेक्स्ट इज द रिवर गंगा स्टार्ट्स फ्रॉम द, रिवर गंगा कहाँ से स्टार्ट होगी, तो गंगोत्री ग्लेशियर. कौन से ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर. नाउ नेक्स्ट इज द डेंस फॉरेस्ट आर होम टू फॉरेस्ट. फॉरेस्ट किसका होम होता है बेटा, तो फॉरेस्ट आर द होम फॉर वाइल्ड एनिमल्स. फॉरेस्ट आर होम फॉर वाइल्ड एनिमल्स. नेक्स्ट इज हिमादरी इज ऑल्सो कॉल्ड, हिमादरी को ही हम क्या बोलते हैं, तो सबसे ऊपर वाले हिमालयाज जो है उन्हीं को तो हमने हिमादरी बोला था, तो ये हमारे क्या हो गए, ग्रेटर हिमालयाज. ग्रेटर हिमालयाज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हिमादरी, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज बचेंद्री पाल क्लाइम्ड ऑन द माउंट एवरेस्ट इन. बचेंद्री पाल कौन सी ईयर में माउंट एवरेस्ट को क्लाइम की थी, तो इन द ईयर 1984. ये हमने डू यू नो में फैक्ट पढ़ा था, ठीक है. तो ये माउंटेन क्लाइंबिंग, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा क्या होती है, टूरिज्म होती है. कितने टाइप के माउंटेन रेंजेस हैं, 3 टाइप्स, ग्रेटर, लेसर, लोअर हिमालयास, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक भी बोला जाता है. और इनमें डेंस फॉरेस्ट अवेलेबल है. फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों यूज़फुल है, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में कवर की, ठीक है. इसको आराम से देखना और रिवाइज करते हुए देखना, जिससे चीज़ें सारी एक बार में ही आपको अच्छे से समझ में आ जाए. ओके, थैंक यू.